नमस्कार, पाइनियर देख रहे हैं आप और वक्त हो चला है समाचार चक्र का। आइए बढ़ते हैं हरियाणा की खास खबरों के साथ। दिल्ली से सटे फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर रविवार की देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रविवार रात फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर दो कारों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, दो घायल हुए जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उनको एशियन अस्पताल में आईसीयू में रखा गया है। सड़क हादसा मांगर चौकी के पास हुआ। मृतकों में एक की पहचान फरीदाबाद जिले की नई जनता कॉलोनी निवासी अभय सिंह और दूसरे की पहचान महिपालपुर दिल्ली निवासी तरुण के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल में भेज दिया है। हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई है। करनाल पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने जाट भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं से कहा कि कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संपर्क करें, पार्टी से लोगों को जोड़ें और संगठन को मजबूत करें। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर भी निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि कुछ लोगों ने ताऊ देवीलाल की नीतियों को गिरवी रखकर सत्ता में शामिल हुए हैं। हमने नए सिरे से अपना संगठन खड़ा करना, नई जिम्मेवारियां नए साथियों को सौंपेंगे, उसके लिए कार्यकर्ताओं के साथ सलाह मशवरा किया। नए साल में जहां सरकार की कमियों और खामियों को उजागर करें, वहीं अपने संगठन में और ज़्यादा मजबूती लाने का काम करेंगे। इसके लिए आज मीटिंग बुलाई। दिल्ली में चुनाव को कैसे देखते हैं? अभी सब पार्टियों के उम्मीदवार आएंगे, हम भी दो तीन सीट पे अपने प्रत्याशी हमेशा खड़े करते हैं। हमारा पूर्व में एक विधायक भी वहाँ से रहा है और अब की बार भी हम एक विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी लड़ाएंगे। मेरे से क्यों पूछते हो? आपने कहा कभी किसी को, आपने कभी छापी बात अखबार में कि लोगों के साथ है जो भाजपा के जजपा के लोगों ने मिल करके धोखा करने का काम किया? जितना जिम्मेवार मैं हूँ इस बात के लिए लोगों को बताने के लिए, उससे ज़्यादा बड़े आप भी हो। आपके घरों में भी बुजुर्ग होंगे जो पेंशन लेते होंगे, जिनको उम्मीद होगी 51 होंगे। हरियाणा के रोहतक से T20 वर्ल्ड कप टीम में चयनित होकर सबसे कम उम्र की 15 वर्षीय शेफाली वर्मा ने हरियाणा का नाम रोशन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में 21 फरवरी से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए रविवार को महिला टीम की घोषणा हुई। 15 सदस्यीय टीम में 9 खिलाड़ी 22 या उससे कम उम्र की हैं। टीम में रोहतक की 15 वर्षीय शेफाली वर्मा सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। उनका यह पहला ICC टूर्नामेंट है। शेफाली के पिता संजीव वर्मा ने बताया कि अप्रैल 2016 में नौकरी दिलाने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी हो गई थी, इससे आर्थिक स्थिति खराब हो गई। 7 माह तक शेफाली ने टूटे बल्ले व फटे दस्ताने के साथ प्रैक्टिस की। जब स्थिति कुछ ठीक हुई तो नई किट खरीदी, जिसके बाद शेफाली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वेस्टइंडीज के साथ हुए मैच में सबसे कम उम्र में अर्धशतक बनाकर शेफाली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा तो पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों की नजरों में आ गई। शेफाली ने रोहतक के लाहली स्टेडियम में हुए रणजी मैच में सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखकर ही क्रिकेट को करियर बनाने की ठानी थी। BCCI ने शेफाली को रविवार को ही सम्मानित भी किया है। गुरुग्राम के सुशांत लोक थाना क्षेत्र में 35 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल मामला बीती 8 तारीख का है, जब गुरुग्राम के सुशांत लोक थाना क्षेत्र में नाले में एक शव मिला और मृतक की पहचान साहिबाबाद निवासी अरशद के रूप में हुई, जो ओला कैब चालक था। दरअसल अरशद अपने दोस्त शाहरुख की औड़ी मांगकर अपने तीनों दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकला था। अरशद अपने तीनों दोस्तों के साथ दुधवा गया था, जहां दो अन्य दोस्त अजय और सोनू मिल गए और उसी दिन सभी दोस्तों ने खूब शराब पी ली, जिसके बाद शराब का नशा अजय और सोनू के सर पर चढ़कर इस कदर बोला कि उनकी नीयत खराब हो गई और उन्होंने अरशद को लूटने की योजना बनाई, जिसके बाद अरशद को उन्होंने गाड़ी के पीछे बिठा दिया और खुद गाड़ी चलाने लगे और आगे जाकर एक चादर से अरशद का गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों आरोपी बेहद डर गए और सिर्फ अरशद का मोबाइल और पर्स लेकर फरार हो गए। वहीं ऑडी गाड़ी को इन्होंने वहीं पर छोड़ दिया, जिसके कारण पुलिस के हाथ दोनों आरोपी तक पहुंचे। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस इस मामले की गहनता से पूछताछ कर रही है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ये 8 जनवरी को सेक्टर 42 के पास एक नाला है, उसमें एक नामालूम डेड बॉडी मिली थी जिसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई थी। एक 34-35 साल का जवान था, उसकी डेड बॉडी थी ये। तो उस डेड बॉडी को हमने वहाँ पे मोर्चरी में रखवा के और उसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे थे, और उसकी शिनाख्त के प्रयास के दौरान उसके पेरेंट्स ढूंढते हुए यहाँ आए और उसकी मिसिज ने हमें
पहचान करके बताया कि ये मेरा पति है और ये सात तारीख को कुछ लड़कों के साथ अपने दोस्तों के साथ कहीं गया था गाड़ी लेके, और ये पता चला है कि उसके बाद में सोनू और एक और लड़का है उसका साथी अजय, इन्होंने इसका मर्डर कर दिया, जिस पे हमने FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि ये अरशद अपने दोस्तों के साथ दूधवा गांव में गया था, वहाँ इन्होंने शराब पी, गुआना में पड़ता है दूधवा, वहाँ शराब पी के और जब ये बाद में 9 बजे के करीब अकेला वहाँ से अपनी ओडी गाड़ी जो शाहरुख की मांग के ये लेके गया था उसमें चलने लगा, तो दो लड़के ये सोनू और अजय हैं ये उसका पीछा करके गाड़ी रुकवा के उसकी गाड़ी में बैठ गए और खुद ड्राइव करने लगे, उसको पीछे बिठा लिया और आगे बडवासणी नहर के पास जाके और उन्होंने गर्म चादर लेके और उससे इसका गला दबा के इसकी हत्या कर दी। हरियाणा की जींद में नागरिक अस्पताल के अंदर एक बच्चे के पिता को सरकारी डॉक्टर ने सिर्फ इसलिए चांटा जड़ दिया क्योंकि बच्चे का पिता डॉक्टर से उसके इलाज की विनती कर रहा था, लेकिन डॉक्टर ने दवाई न करने का बहाना बनाया और उसे चांटा जड़ दिया। इस मामले की वीडियो वायरल हुई तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने तुरंत संज्ञान लेते हुए डीजी हेल्थ को सस्पेंड करने के आदेश देते हुए डॉक्टर को चार्जशीट कर अंडर रूल 7 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस तरह का रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने डीजी हेल्थ को कह दिया है तुरंत इस डॉक्टर को सस्पेंड किया जाए और इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, इसको चार्जशीट अंडर रूल 7 करके इसे पूछा जाए कि इस प्रकार का इसने व्यवहार क्यों किया। नहीं नहीं गलत है, सारी दवाइयाँ हैं हमारे पास, हमारे वेयर हाउस भरे पड़े हैं, कोई दवाई की कमी नहीं है। नहीं ऐसे हैं और आते हैं तो हम कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ। साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के एक सदस्य को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, जिससे 5 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद कर ली है, लेकिन अभी इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस ने अंतरराज्य वाहन चोर गिरोह के एक चोर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। अभी तक पुलिस ने इसके कब्जे से 5 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली हैं। पुलिस की माने तो कई दर्जनों मोटरसाइकिल किसने चुराई हैं और इन चुराई हुई मोटरसाइकिलों को मेवात में मात्र 5,000 की रकम में बेच दिया जाता था। यह सभी मोटरसाइकिल गुरुग्राम, दिल्ली, राजस्थान से चोरी कर लाता था और मेवात में बेच देता था। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह मासूम सा दिखने वाला वही मोटरसाइकिल चोर है जो पलक झपकते ही सेकंड में मोटरसाइकिलों को गायब कर देता था। एक तार की चाबी बना मोटरसाइकिल में लगाता और लॉक तोड़कर मात्र 20 सेकंड से भी कम समय में मोटरसाइकिल को चुरा ले जाता था और मेवात में जाकर बेच देता था। फिलहाल पुलिस ने अभी एक चोर को ही पकड़ा है और इसके अन्य साथियों को पकड़ना अभी बाकी है। अंतरराज्य चोर है ये शाहिद उर्फ मुत्तु, ये सालाका गाँव का तावड़ू का रहने वाला है और इसको हमने अरेस्ट किया है हमारी क्राइम यूनिट सोना ने। इसे हमने 5 मोटरसाइकिल बरामद की हैं जो 2 दिल्ली से चोरी की हुई हैं और बाकी गुड़गांव की हैं, और ये इतना एक्सपर्ट चोर है कि कुछ सेकंडों में ही अगले की मोटरसाइकिल को चाबी लगा के खोल के और लेके भाग जाता है। अगले को समझ में भी नहीं आता, इतनी देर में तो मोटरसाइकिल लेके उड़ जाता है और वहाँ पे जाके 5,000 रुपये में मेवात में ये बेच देता है। और इसके काफ़ी सारे वहाँ पे रसूख हैं, इस तरह की चीज़ें पता चली हैं तो इसकी इंटरोगेशन की जा रही है और हमें उम्मीद है इससे और भी केसेस का खुलासा होगा। हाँ, ये जो है ये खुद और अपने साथियों के साथ मिलके ऐसा काम कर रहा था और उन पे भी हम उनकी तलाश कर रहे हैं, इसके जो साथी हैं, उसके बाद पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो पाएगा। हाँ, वो एक तार को इस तरह से बैंड करके रखता था और उसी से ऑपरेट करता। हाँ बिल्कुल, ये मेवात में ही वहाँ पे ही बेचता था और उसको हम उन लोगों के बारे में जानकारी से ली है, उनको भी हम टारगेट करेंगे, लेकिन अभी उनके नाम बताना उचित समय नहीं है ये, ताकि उनको पकड़ने में थोड़ी सी हमें सुविधा रहे, इसलिए पकड़ने के बाद आपको उनके नामों के बारे में। पसंदीदा कौन सी मोटरसाइकिल थी सर इसकी? ये स्प्लेंडर ज़्यादा बिकती है, वो ज़्यादा पसंदीदा थी। अपाचे भी चोरी करता था और भी कोई मोटरसाइकिल मिल जाती थी तो ले जाते थे, लेकिन ये ज़्यादा पसंदीदा। कौन कौन से राज्य में सर ये करता था चोरी?
ये दिल्ली में, हरियाणा में और राजस्थान में चोरी करता था। परीक्षा में पास कराने के नाम पर छात्राओं का शारीरिक शोषण करने के आरोप में निलंबित किए गए फरीदाबाद के राजकीय नेहरू महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर और उसके साथी अधिकारियों को सरकार द्वारा बहाल किए जाने के विरोध में कांग्रेस मंत्री पराग शर्मा ने छात्र छात्राओं के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा सरकार से बाहर किए गए एसोसिएट प्रोफेसर और अन्य को दोबारा निलंबित करने की मांग की है। दिखाई दे रहा यह नजारा बल्लभगढ़ के राजकीय कन्या महाविद्यालय का है, जहां कांग्रेसी नेत्री पराग शर्मा और उसके साथ दर्जनों छात्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल एक साल पहले फरीदाबाद के नेहरू महाविद्यालय में 3 लोगों द्वारा परीक्षा में पास कराने के नाम पर छात्राओं के साथ शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया था। तब इस मामले में हरियाणा सरकार ने 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया था और पुलिस ने इन 3 के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी किया था। हालांकि यह मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है, लेकिन शिक्षा निदेशालय द्वारा इन 3 को जांच में बहाल कर दिया गया है। उसी के विरोध में आज राजकीय कन्या महाविद्यालय बल्लभगढ़ के बाहर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेत्री पराग शर्मा की माने तो गलत तरीके से इन्हें बहाल किया गया है। सरकार को इन्हें तुरंत प्रभाव से दोबारा निलंबित कर देना चाहिए। बेटियों की सुरक्षा हम सबको मिलके सबको मिलकर करनी चाहिए और बेटी आगे हमारा देश का भविष्य है और बेटियों की जिम्मेदारी हम सब लोगों की बनती है, नेताओं की भी और समाज के सभी बंदों की बनती है। देखिए, आप गौरतलब है कि मई महीने में 2019 में एक बहुत बड़ा शर्मसार करने वाला एक प्रकरण सामने आया था नेहरू कॉलेज फरीदाबाद से, जहां पर एक एसोसिएट प्रोफेसर जिनका नाम है CS वशिष्ठ, वो बच्चियों के साथ कॉलेज की छात्राओं को प्रलोभन देकर और उन्हें अपने एक जाल में फंसा कर बच्चियों को बाहर ले जाना, होटलों में ले जाना और इस तरीके के गोरख धंधे में फंसे थे और पकड़े गए थे, जिसकी वीडियोज़ भी हमारी सम्मानित मीडिया ने रिलीज़ करी थी और इसके साथ साथ ऑडियोज़ भी थी। आज एक हमारी जो खट्टर सरकार है, इसका दोगला चेहरा और पर्दाफाश करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। गुरुग्राम में लोहड़ी मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला ने शिरकत की। इस दौरान लोहड़ी मिलन समारोह में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। सभी समाज के लोगों ने मिलकर इस लोहड़ी उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ढोल नगाड़ों के साथ सभी गुरुग्राम वासी झूमते हुए नजर आए। वहीं गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला ने कहा कि इस लोहड़ी मिलन समारोह में सभी धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया है और बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि नए साल में गुरुग्राम के लोगों को कई विकास कार्यों की सौगात भी दी जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने मध्यावधि चुनाव पर कहा कि सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपने देखने में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला स्वस्थ रहेंगे। विधायक सुधीर सिंगला ने यह भी कहा कि 5 साल तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा विकास करेगा और पार्ट 2 पूर्ण रूप से सफल होगा। जब तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहेंगे, तब तक सरकार उनके नेतृत्व में काम करेगी। देखिए, ये लोहड़ी का त्यौहार है, उत्साहवर्धक त्यौहार है, इससे गर्मियां समाप्त हो रही हैं और सब 1000-1500 परिवार यहाँ आया, सेलिब्रेट हुआ और जिस तरीके से लोहड़ी का त्यौहार आपस में मिलाया करते हैं, इससे एक मैं समझता हूँ रिश्तों में गर्म जोशी का त्यौहार है। लोग मिलते हैं, एक दुख सुख की बात करते हैं और एक अच्छा वातावरण बनता है। नए साल के अंदर स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और स्वावलंबन, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत करी है इन बातों के साथ और इन्हीं चीजों पर हम अधिक से अधिक गौर करेंगे और ध्यान करेंगे और उसी पे काम करेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में गुरु गोविंद सिंह के 354वें प्रकाश पर्व पर एक नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें पटौदी से विधायक सत्य प्रकाश जरावता ने शिरकत की। इस दौरान विधायक ने नगर कीर्तन के दौरान सड़क पर झाड़ू लगाकर सेवा भी की। दरअसल गुरु गोविंद सिंह के 354वें प्रकाश पर्व पर देश भर में धूमधाम से सिख समुदाय के लोग नगर कीर्तन यात्रा कर गुरु गोविंद सिंह को याद करते हैं। साथ ही इस दौरान मार्शल आर्ट व अलग अलग तरह के कर्तव्य भी दिखाए जाते हैं। वहीं पटौदी से विधायक सतप्रकाश जरावता ने कहा कि आज के दिन ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, सब एक साथ सेवा भाव में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सिख समाज के लोगों के लिए एक तोहफा भी दिया है। जल्द ही नए गुरुग्राम में एक गुरुद्वारे के लिए जमीन देने की बात की। वहीं सरपंच सुंदरलाल यादव ने कहा कि नए गुरुग्राम में यह सबसे पहला आयोजन सिख समुदाय के लोगों ने किया है। वहीं सरपंच ने भी विधायक से सिख समुदाय के लिए जल्द गुरुद्वारे के लिए सरकारी जमीन देने की बात और पंचायत से जो भी जरूरत होगी उसके लिए प्रस्ताव सरकार को भेज दिया जाएगा और उन्होंने कहा कि पंचायत से जो भी जरूरत होगी उसके लिए भी प्रस्ताव सरकार को भेज दिया जाएगा। हमने यहाँ पर एक सिख सेवा सोसाइटी स्टैब्लिश की है सारी संगत की सेवा के लिए। तो गुरुद्वारा नहीं है, लेकिन हमारा जज्बा जो है वो बहुत ऊँचा है
संगत की सेवा के लिए जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनकी सेवा के लिए आज नगर कीर्तन जैसे निकला है गुरु गोविंद सिंह जी के 354वें प्रकाश पर्व पे, तो खाली ऐसा ही नहीं है कि सिख समुदाय ने ही यहाँ पर लंगर छका या और सिर्फ सिख समुदाय ही आया, मुझे यहाँ पे 80% लोग दूसरे समुदाय के दिख रहे हैं जो आके इस नगर कीर्तन का आनंद मान रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। आप ये सोचो कि कल को अगर सिख समुदाय के लिए कोई गुरुद्वारे की स्थापना हो जाए तो सिख समुदाय कितनी बढ़ के चढ़ के सेवा करेगा इस इलाके के लोगों की, ताकि उनको आगे आने वाले समय में यहाँ पर हैप्पीनेस और बहुत ही अच्छा माहौल मिले। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय हमारे इष्ट देव गुरु गोविंद सिंह जी की 354वीं जयंती है, उसी के संदर्भ में उसी अवसर पर आज ये नगर कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। और ये एक नया गुड़गावा है जो आधा पटौदी विधानसभा क्षेत्र में और आधा बादशाहपुर में भी, लेकिन वैसे सब हम एक हैं और यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रांतों के हमारे साथी भी रह रहे हैं। तो आज उस आयोजन पर एक बहुत उत्साह का माहौल है। इतना सुंदर आयोजन इस नए गुड़गांव में बड़े ही सुंदर तरीके से किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ ये सबसे पहला आयोजन किया गया है इतने बड़े स्तर पर। मेरी एक विधायक जी आप लोगों के चैनल के माध्यम से मेरे साथ में है, लेकिन आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक अपील भी है, एक प्रार्थना भी है कि जितनी जल्दी हो सके इस कम्युनिटी के लिए एक गुरुद्वारे का यहाँ कोई स्थान रिजर्व कर दिया जाए। हरियाणा की खबरों में बस इतना ही, आपको छोड़े चलते हैं देश दुनिया से जुड़ी 10 खबरों के साथ। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। पश्चिम बंगाल के सालनपुर गांव में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में रविवार रात को आग लग गई। बीजेपी का आरोप है कि इस वारदात के पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। घने कोहरे की वजह से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह एक वॉल्वो बस पलट गई। इस दुर्घटना में 2 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 18 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा और संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप शुरू किया गया, जो कि 3 साल के ट्रायल के बाद शुरू हुआ है। इसका आकार 30 फुटबॉल मैदान के बराबर है। इसका मकसद अंतरिक्ष में जीवन की खोज के अलावा एलियंस का पता लगाना है। पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा सांसद अभिनेता सनी देओल के लापता होने के पोस्टर सामने आए हैं। पठानकोट में कुछ जगहों पर सनी देओल के लापता होने के पोस्टर चिपकाए गए। रेलवे स्टेशन पर भी ये पोस्टर चिपकाए गए हैं। पोस्टर पर लिखा है गुमशुदा की तलाश एमपी सनी देओल। निर्भया गैंगरेप के दोषियों का डेथ वारंट जारी हो गया है। इन चारों दोषियों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी। तिहाड़ जेल प्रशासन फांसी की तैयारी में जुट गया है। वहीं तिहाड़ में जेल प्रशासन ने फांसी की डमी एक्सरसाइज की। इस दौरान 4 पुतले बनाए गए और उसे फांसी पर लटकाया गया। जानकारी के मुताबिक पुतलों का वजन निर्भया के 4 दोषियों के वजन से ज्यादा रखकर फांसी की डमी एक्सरसाइज की गई। ईरान ने फिर से अमेरिका पर हमला किया। ईरान ने इराक के अल बलाद एयरबेस पर अमेरिकी ठिकानों पर 8 रॉकेट दागे, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों में 2 इराकी अफसर और 2 एयरमैन शामिल हैं। फिलीपींस में एक ज्वालामुखी के फटने से अफरा तफरी मच गई। सूत्रों के मुताबिक ताल ज्वालामुखी ने लावा और आग उगलना शुरू कर दिया, जिसके बाद प्रभावित इलाके को खाली कराते हुए 16,700 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया। चीन में हाल ही में एक ऐसा मामला देखने को मिला जहां कार के नीचे फंसी एक महिला की जान बचाने के लिए कई लोग मदद के लिए सामने आए। ये वीडियो चीन का है जहां एक एक्सीडेंट के बाद महिला की जान बचाने के लिए कई लोगों ने उसकी मदद की। वीडियो में एक महिला अपनी इलेक्ट्रॉनिक बाइक से गिर जाती है और अचानक से उसके ऊपर से एक कार गुजरती है। जैसे ही कार चालक को इसका एहसास होता है तो वे तुरंत अपनी कार रोक देता है और इसके बाद एक साथ कई लोग महिला की मदद के लिए आगे आते हैं। बॉलीवुड एक्टर आदित्य रॉय कपूर, अनिल कपूर,
कुणाल खेमू और दिशा पटानी की अपकमिंग फिल्म मलंग का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस ट्रेलर में आदित्य रॉय कपूर और दिशा पटानी की रोमांटिक केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आ रही है। अब मलंग के ट्रेलर पर बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान का रिएक्शन आया है। हाल ही में सलमान खान ने फिल्म को लेकर एक ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सलमान खान ने मलंग के ट्रेलर पर रिएक्ट करते हुए अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, ओई मां झकास ट्रेलर। सलमान खान के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने मुंबई में कहा कि हमने भारत में दिन रात का टेस्ट मैच खेला है, हम दिन रात के टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार हैं, हम चुनौतियों के लिए तैयार हैं। हमारे पास हुनरमंदों की एक ऐसी टीम है जो दुनिया में कहीं भी किसी भी फॉर्मेट में सफ़ेद लाल या गुलाबी गेंद से किसी भी प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला कर सकती है। Thank you for watching our video. Please like our video and subscribe to our channel and hit the bell icon. Welcome to Sledgehammer Golf Casing Hardware Manufacturing Facility, which is located in the heart of Sultanate of Oman in Nizwa. Sledgehammer Gulf is a manufacturing and R&D branch of Gulf Energy Joint Ventured with Sledgehammer Oil Tools PCT Limited India. This facility is designed with topmost efficient system to maximize production with minimum waste. It can produce twice our current requirement with capacity of 10,000 plus centralizers per month. Currently, we produce over 50 product which are tested as per API standards and commercialized to our clients. By end of the year, floats equipment manufacturing shall be started. The facility is fortified with highly experienced personnel, state-of-the-art plant and latest equipment to initially take care of the business in Oman and the group business in MENA. Sledgehammer Gulf has already signed contracts with different local oil and gas operators for a period over 11 years. We can customize design according to the client needs and have the capability to stimulate the casing running using high-tech computer software. Materials, size, thickness and design will impact the final product performance such as standoff, restoring force and starting force and running force, which are always more than minimum value specified in the API standards. We apply the highest service quality standard for manufacturing following international certifications and API standards. Once design is approved, the product goes under several design verification processes which validate the design circulation. We have full traceability in our manufacturing plant from the start of raw materials in process manufacturing, job status and delivery forecast that helps us to control quality and meeting our orders delivery. Our high tire single piece integral centralizer is built for aggressive applicable and provides 60% standoff in highly deviated and horizontal application. We are committed to train and develop our personnel and employees. We also monitor closely our employees' competence and encourage training where we see more improvement can be done. Promotions and career progression in the company is based on technical competency within the organization to inspire talented Omani capabilities. We capitalize on local manufacturing to enrich the in-country value and position our company in the leading oil and gas service company with in-house R&D to develop updated technologies. दर्शकों की पहली पसंद बन रहा पायनियर। पिछले 11 महीनों में दिखाई हमने आपको वो हर खबर जो जानना था आपके लिए जरूरी। उठाए हमने हर वो मुद्दे जिससे आपका था सरोकार।
आवाज बने हम उनकी जिनकी दबा दी गई थी आवाज। हमने किया लोगों को देश के प्रति जागरूक करने का काम, ताकि आपका भी हो देश की प्रगति में योगदान। खबरें जो आपको सीधा जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच दिखाने का, आप तक सच पहुंचाने का, आपके विश्वास से बनी पायनियर की पहचान, हर खबर सच्चाई के साथ। पायनियर हमेशा सच के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज लाइक आवर वीडियो and subscribe to our channel and hit the bell icon.